अगर पार्क में हम जा सकते हैं कोरोना नियमों का पालन करते हुए, ढाबा में जा सकते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने कल गाइडलाइन जारी किया था। बता दें आम लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें इस फैसले को लेकर के भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्या कुछ कहा है हरिभूषण ठाकुर ने, पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, साल भर का पर्व है ये और हम लोग के बिहार में चैती नवरात्रा और चैती छठ रामनवमी बड़े पैमाने पर होता है, तो जिस तरह कोरोना का गाइडलाइन है पार्क और ढाबा में लोग जा सकता है, तो क्यों नहीं कोरोना नियमों का पालन करते हुए हम अपने धार्मिक त्यौहारों को भी मनाएं। ये मैंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से कि इसमें ढील दिया जाए और कोरोना नियमों को पालन करते हुए छठ रामनवमी मनाने की भी छूट दी जाए। अगर पार्क में हम जा सकते हैं कोरोना नियमों का पालन करते हुए, ढाबा में जा सकते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकते हैं? फेस्टिवल हम अपना क्यों नहीं मना सकते हैं? मंदिर खुलना चाहिए, जरूर जरूर मंदिर खुलना चाहिए। सर आपको ऐसा लगता है? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन है, ऐसा हुआ भी है। आप पिछले साल कोरोना जब एक्सट्रीम पर था, अपने चरम पर था, ठीक उसी समय रोजा रमजान हुआ था, उसका गाइडलाइन देखी हुई, और छठ का जो इलेक्शन के बाद हुआ छठ, उसका गाइडलाइन देख लीजिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सबों के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनसे निवेदन किया है कि इसमें छूट होना चाहिए। मंदिर और पूजा जो है वो हम लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनावें। सर मंदिर सभी धर्मावलंबियों को अपने त्यौहार और उत्सव मनाने का छूट मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे, साफ तौर पर हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि जब लोग ढाबा पे जा सकते हैं, जब लोग रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, तो लोग मंदिर क्यों नहीं जा सकते हैं? बता दें उन्होंने यह भी कहा कि जब पिछले साल कोरोना महामारी थी, ऐसे में मुस्लिम भाइयों को अपना त्यौहार मनाने के लिए, रमजान मनाने के लिए आदेश मिला था, लेकिन हमें अपना प्रोग्राम करने के लिए, अपना जो त्यौहार था उसे मनाने के लिए आदेश नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। और भी क्या कुछ कहा है उन्होंने, साफ तौर पर आपने सुना। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।